नहीं नहीं ये मैं नहीं दे सकती, ये मेरी मम्मा की बैंगल्स है। ओ हेलो, मैं जानती हूँ कि श्रुति तेरे वजह से कोमा में गई। तूने उसका साइंस प्रोजेक्ट चुराया था ना, तेरे वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की। आई नो एवरीथिंग सोनाली। सख्ती से बच्चों को संभाला नहीं जा सकता, अगर उन्हें उन्हें किसी की जरूरत है तो अपने पापा की, जो उन्हें डांटे नहीं बल्कि उन्हें उन्हें प्यार से समझाए। धन्यवाद। किसके? ये हार, इसकी इसकी जरूरत नहीं थी। धन्यवाद। ताराबो की शादी के लिए बहुत अच्छे से टैटू सजाए गए हैं और इसमें बहुत सारे कॉस्मेटिक्स भी हैं। चलना सुनाली, कुछ कॉस्मेटिक्स ट्राई करते हैं और फिर हम भी इन मॉडल जैसे दिखेंगे। देखना। नहीं दिया, उनमें से हम कुछ नहीं लेंगे। एंड यू प्रॉमिस मी कि आगे हम कुछ गलत नहीं करेंगे। सुनाली हम गलत ना कर रहे, हम तो तेरी ताराबो के गिफ्ट ट्रेस में से एक दो चीजें अपने लिए रख रहे हैं। एंड सुनाली प्लीज ज्यादा बन मत, तुझे भी मेकअप करना कितना अच्छा लगता है। हाँ मुझे अच्छा लगता है, पर अगर मेरे डैड को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। नहीं हम नहीं कर सकते। देख दिया, मैंने तुझे मेरे मम्मा के बैंगल्स भी दिए थे, तब तूने बोला भी था कि अब हम कुछ गलत नहीं करेंगे। प्लीज दिया, प्लीज। मिश्टी क्या हुआ, क्यों रो रहे आप? मैं दर्द हो रहा है, सब लोग सो रहे हैं। प्लीज दादा मना मत कीजिएगा, घर आ जाइए, वरना वरना मैं शादी नहीं करूंगी। तारा तू जानती है मेरे और दादा के बीच में ये रिश्ता नहीं कहा है दादा आपको फोन करने के लिए। और वैसे भी आपकी छोटी बहन की शादी हो रही है, जिस बहन को आपने बचपन में अपने कंधों पे बिठा के घुमाया है, हाथी घोड़ा पालकी भी गाया है। अब आपकी वही बहन डोली में बैठ के हमेशा के लिए इस घर से जा रही है दादा। उस बहन की डोली को कंधा देने जरूर आइएगा प्लीज, वरना मेरा कन्यादान अधूरा रह जाएगा। आई फील लाइक एन ऑर्फन दादा। ठीक है तारा, मैं वहां जरूर आऊंगा, लेकिन तेरी फिर शादी में नहीं, मैं सिर्फ तेरी विदाई में वहां रहूंगा। इससे ज्यादा मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है दादा, लेकिन जब तक आप नहीं आएंगे ना तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। दांत में दर्द हो रहा है? चलो मुंह खोल के दिखाओ, बता कौन सी दांत में दर्द हो रहा है। रात के तो सब कुछ बंद होगा, डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे। बताओ बताओ कहां दर्द हो रहा है? रोना मत मिश्री, देखो तुम रोगी तो दर्द कम नहीं होगा। हाँ मत, दो मिनट में भाग जाएगा अगर तुम नहीं रोगे। हाँ आप दो मिनट रुकिए, हाँ ज्यादा रोना मत, मैं अभी आऊंगा अभी आऊंगा। अरे वाह चंद्रा जी, घर के बाहर तो ऐसे खड़े हैं जैसे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप हमारे किस्मत में होती ना चंद्रा जी, तो महादेव कसम खा करके कह रहे हैं इन चांद सितारों से और कुछ नहीं मांगते, आपको मांगने के सिवा। पिताजी से बातचीत सुना दे, दिन का सारा हाल चाल उन्हें। तुम्हें कैसे पता चला? हमको सब समझ में आता है, आपके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब पता चल जाता है। क्या हमारा कहने का मतलब, अब इतने अच्छे दोस्त हो चुके हैं हम लोग, एक दूसरे के दिल की बात नहीं जानेंगे तो क्या जाने। अच्छा एक काम करिए, जरा ऊपर देखिए, देखिए देखिए
और जरा अपने पिताजी को हमारा नमस्कार कहिए। एक बात बोलो तुम्हें। ये क्या हजार बात पूछे। ऐसे तो तुम बहुत समझदारी की बात करते हो, पर धमकी के मामले में तुम्हें क्या हो जाता है? कभी धमकी की तरह भी अपनी जिम्मेदारी को समझो। देखो राजकुमार, वो तुम्हारी बीवी है, दिन भर घर में ही रहती है, उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाओ, खाना वाना खिलाओ उसे और अपनी बेइज्जती करवा ले। आपको पता नहीं एक नंबर की पगलेट है वो, अगर बाहर मार्केट में ले गए हाथ में छुरी काटा पकड़ा दिए तो किसी का गला काट लेगी। आप क्या जानती क्या उसके बारे में? राजकुमार तुम तो ऐसी बात करो जैसे कि वहां देखो वो झुमकी है ना। झुमकी वहां क्या कर रही है? वो पता नहीं क्या कर रही है। झुमकी झुमकी दत्त तरीकी पकड़ी गई, अब जल्दी ही कुछ करना होगा। अरे 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 चलो ना वहां। आराम से आराम से। हाँ। ए लड़की सुनो, अरे झुमकी कहाँ घूम रही है यहाँ? लगता है नींद में चल रही है झुमकी। अब यही रह गया था हमारे किस्मत में, कई निशाचर लिखी थी रात में चल रही है और सो रही है। कह रहे लड़की, अरे क्या कहा है? कहाँ हो मैं? हमारी मैयत में हो, यहाँ क्या कर रही हो? झुकिया अम्मा यहाँ देखो कैसे यहाँ रात को निशाचर की तरह घूम रही है। अरे झुमकी क्या कर रही है? वही हम पूछ रहे हैं, यहाँ क्या कर रही है? बहुरिया क्या कर रही हो? अल्लाह हम तो गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक हमारी आँख खुली, देखे बहुरानी कमरे में नहीं है, हम तो हड़बड़ा गए। हड़बड़ा करके इसको हमारे पल्ले बांधी थी तो गड़बड़ाहट तो होना था ना। देखो इन्हीं खातर कहाँ घूम रही है यहाँ पर? वाह नींद में चलने का बीमारी है इसको है? अब है हूँ ना करो, इसका हाथ पकड़ो इसको लेकर के जाओ घर के अंदर। भूत पिशाचनी की तरह इसे रात को यहाँ घूमेगी तो दो चार बुढ़ाऊ लोग मर जाएंगे। है लल्ला ऐसा ना बोलो। अब ऐसे मत देखो, लेकर जाओ इसको, देखो तीन चार बीमारी और हो गई, लेके जाओ। भौरिया अरे ये तो हमको पता ही नहीं था। अच्छा चलो चलो यहाँ ना देखो, अब बता रहे आँख निकाल लेके तुम्हारा, दूर दूर के हमारे किस्मत में घुसड़ दिए थे सब कुछ। देख लिए बड़ा वकालत कर रही थी इसका। दिया व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, ये चोरी है। अच्छा तो ये चोरी है और सुनाली मिरर पकड़। अच्छी सीधा पकड़ना, थोड़ा सा ऊपर। सुनाली सीधा रख। सुनाली सीधा रख ना। दिया अब बस करना, बहुत देर हो गई, अब चलते हैं यहाँ से। सुनाली रुक ना थोड़ा देर, देखना यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मुझे दो तीन चीजें और लेनी है। एंड डोंट परी, फिर हम इसे पैक करके रख देंगे। दिया व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, ये चोरी है। अच्छा तो ये चोरी है और तूने जो श्रुति के साथ किया था वो क्या था? सुनाली तूने तो इसका साइंस प्रोजेक्ट छुड़ा लिया था जिसकी वजह से। बट एनीवेज सुनाली यहाँ तो इतनी सारी चीजें है ना, दो तीन चीजें गायब भी हो जाएगी ना तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। लो बेटा थोड़ा सा पानी पी लो। अरे थोड़ा सा पियो, देखो आराम लगेगा तुम्हें। क्या हुआ, कोई डॉक्टर मिला? नहीं कोई डॉक्टर नहीं मिला, मुझे लगता है कल हॉस्पिटल ही लेकर जाना पड़ेगा। ये लौंग का तेल है, बचपन में माँ हमें लगाया करती थी, इससे दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है शायद आराम मिले। चल बेटा मुंह खोलो, मिष्टी हाथ हटाओ। बेटा कुछ देखो अच्छा लगेगा तुम्हें।
बेटा ऐसे कैसे तुम्हारा दर्द नहीं जाएगा फिर? मिष्टी मैं बोलता हूँ हाथ हटाओ, मुंह खोलो अपना। मिष्टी एक मिनट, एक मैं कोशिश करती हूँ। हाँ तुम ही देखो, बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं। मिष्टी बहुत दर्द हो रहा है पता है? मिष्टी कल ना बहुत धमाल होने वाली है और परसों तो और भी ज्यादा है। पता है क्यों? आपकी तारा बुआ की शादी होने वाली है और ना शादी में ढेर सारी जलेबियां, रबड़ी, रसगुल्ला और संदेश सब बनेगा। लेकिन मिष्टी का दांत का दर्द ठीक नहीं होगा तो फिर वो सब कैसे खाएगी? इतनी सारी जलेबियां, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश, उसके लिए मिष्टी का दांत का दर्द ठीक होना चाहिए, है ना? मिष्टी तो बहुत बहादुर है। गुड गर्ल, अब झट से ठीक हो जाएगा। मैं सुला देता हूँ मिस्टी को। मैं सुला देती हूँ, आप सो जाइए। ऐसे थक जाओगे, उस तो गई है, तुम भी सो जाओ। आप सो जाइए, मैं मिष्टी को सुला दूंगी। नहीं नहीं मैं भी जग सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं पानी 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 पी के आता हूँ। जी बस अभी बहुत देर हो। अरे इतनी रात गए, इस कमरे की बत्ती कैसे जली है? इस कमरे में तो तारों को दिए जाने वाले तोहफे रखे हैं। कौन हो सकता है यहाँ पर? चल सोनाली, तेरा भी मेकअप करते हो। मुझे नहीं करना। सोनाली प्लीज,
ना हिल मत, नाली सीधी रहना। अरे इसको ऐसे से ऐसे कर, अच्छा लग रहा है। बस अभी बहुत देर हो गई, चलते हैं यहां से। दो मिनट रुक। ये सब क्या हो रहा है? तारा के तोहफे तुम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही थी? अगर कोई चीज चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती, इन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी? जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। अंकल मुझे कुछ नहीं पता कि सोनाली मुझे यहाँ ले आई। मैंने तो इसे मना भी किया था पर ये जबरदस्ती ले आई। क्या ये सच है? जी हाँ। आप मुझे मेरे डैड के गुस्से से बचाकर मेरे गुड बुक्स में आ जाएंगे? सोनाली ही दिया को लाई है, लेकिन बोला इन दोनों को मैंने ही था यहाँ आने के लिए। वो दरअसल इन कॉस्मेटिक्स में से कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो तारा ने ही लगा थी, लेकिन उसके पसंद के हमने मंगवा लिए है। अब जो बचे हुए हैं वो बेकार जाएंगे, इसलिए मैंने ही सोनाली से कहा यहाँ आके देख ले, से अगर कुछ चाहिए होगा तो। भले ये सामान खराब ना इसलिए तुमने यहाँ भिजवाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं संभाल लूंगी। आप चिंता मत कीजिए, वो मिस्टी कमरे में अकेली है। हाँ मैं दिखता हूँ उसे। Why did you do this? आपको क्या लगता है आप मुझे मेरे डैड के गुस्से से बचाकर मेरे गुड बुक्स में आ जाएंगे? नो, नेवर। मुझे तुम्हारी फेवर की कोई जरूरत नहीं है और मैं अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल कर सकती हूँ, समझी आप? यही तो मैं सुनना चाहती थी सोना, कि आप किसी संकट में, पर आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी मुश्किल है मैं उसे आपसे जरूर बाहर निकालूंगा। अरे 10,000 देने कौन सी बड़ी बात है? अगर मेरा इस कैंपिंग ट्रिप मिस हुआ तो मैं तुझे भी स्कूल जाने नहीं दूंगी। प्रिंसिपल को